टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल. हमारे साथ ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल ये क्या चीज है. नाउ द फर्स्ट वन इज ऑक्टेट रूल, या इसको हम कहते हैं रूल ऑफ एट. ये जी एन लेवस साइंटिस्ट था जिसने 1916 में इस रूल्स को मुतारिफ कराया, इस कंसेप्ट को मुतारिफ कराया. इस रूल के मुताबिक एन एटम हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल टू अटेन स्टेबिलिटी. इस रूल्स के मुताबिक एक एटम जिसके साथ 8 इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में, किस मकसद के लिए, ताकि वो स्टेबिलिटी हासिल कर ले, तो ये हमारे साथ है ऑक्टेट रूल. मिसाल के तौर पर अगर मैं ले लूं एनर्ड गैसेस जितने भी हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, सो दीज आर स्टेबल. हीलियम के अलावा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारे ऑक्टेट रूल उबे करता है और वो स्टेबल है. अगर मैं ले लूं नियान, तो नियान के आउटर मोस्ट शेल में पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, सो दिस नियान इज स्टेबल. नाउ एटम ऑक्टेट रूल्स फॉलो करता है तो वो स्टेबिलिटी गेन करता है. मिसाल के तौर पर अगर मैं सोडियम ले लूं Na, तो Na इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में हमारे साथ है 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. नाउ दूसरे साइड पे क्लोरीन में लेता हूं, तो क्लोरीन के एक शेल में, फर्स्ट शेल में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन. सो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में इसके साथ एक्स्ट्रा है और इसको ये डिफिशिएंट है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आता है, यहां पे ये पोजीशन ऑक्युपाई करता है. एज अ रिजल्ट में क्या होता है, इसमें हमारे साथ सोडियम पे पॉजिटिव आ जाता है और क्लोरीन पे हमारे पास इसमें नेगेटिव आ जाता है, दिस इज क्लोरीन. और इन दोनों के दरमियान एक केमिकल बॉन्ड बनता है. सो सोडियम भी स्टेबल हो गया ऑक्टेट रूल के मुताबिक, इट गेन स्टेबिलिटी, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रह गए. इसी तरह क्लोरीन भी स्टेबलाइज हो गया, व्हेन इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन इसमें नेगेटिव आ जाता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन. सो दीज टू गेट स्टेबिलिटी एंड फॉलो ऑक्टेट रूल. दूसरा हमारे साथ है डुप्लेट रूल. डुप्लेट रूल ये भी जेन लेवस ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1916 में. इसको हम कहते हैं रूल ऑफ टू, हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन एट इट्स आउटर मोस्ट शेल. तो ये जो है हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम आउटर मोस्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, सो दिस इज स्टेबल. एंड सिमिलरली हाइड्रोजन भी जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये स्टेबलाइज हो जाता है. सो एन एटम हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, एन एटम हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी. किस मकसद के लिए, ताकि ये स्टेबिलिटी हासिल कर ले, उसको हम कहते हैं डुप्लेट रूल. सो दिस इज अबाउट ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल.